इकोनॉमिक्स पार्ट टू में आज हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान में लेबर फोर्स के जो मसाइल हैं उनकी वजाहत करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप ये देखिए पाकिस्तान में जो मजदूर तबका है वो बहुत ही बेचैनी का शिकार है, उसकी कई वजूहत है और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलती है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि जब कोई मुतमिन नहीं होता तो फिर वो अपना इजहार करता है उस बेचैनी का किसी भी किस तरीके से और अपने उस मसाइल का हल चाहता है। ठीक है, तो उसके कौन से मसाइल हैं तो आज हम उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले रोजगार का मसला। आप ये देखेंगे जिन ममालिक के अंदर जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है, फलाते आबादी ज्यादा होती है और अफजाइश आबादी भी होती है, जो बच्चे हैं वो जल्द जो है वो अफजाइश पाकर जो है जवान बन जाते हैं और फिर उनके पास तालीम की हुनर नहीं होती तो एक ही उनके पास रास्ता होता है वो लेबर का, मजदूरी का। और वो भी आप देखें कि एक अगर जगह काम निकलता है तो कितने लोग जो है उस जगह पहुंच जाते हैं उस काम को हासिल करने के लिए। तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो रह जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता, उनको रोजगार मिलने के जो चांसेस अपॉर्चुनिटीज है वो कम होते हैं, उनकी आबादी जो ज्यादा होती है। तो पहला मसला क्या है असली रोजगार का, रोजगार का मिलना बहुत। नंबर टू, कम शराय उजरत। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने बारहा एक फिक्स कर दिए हैं कि कम से कम मजदूरी मजदूरी इतनी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बार्गेनिंग ताकत नहीं होती मजदूर के अंदर, उसको काम भी चाहिए होता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि उसको जो उसकी मजदूरी से कम उजरत मिलने की वजह से वो अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकता। यानी कि इतने पैसे मजदूर के होने चाहिए कि कम से कम वो उसके घर की जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी। जिन ममालिक में उसकी उजरत की शराब भी कम होगी वहां पर भी मजदूर जो है वो बेचैनी का और प्रॉब्लम्स का शिकार रहेंगे। फिर उसके बाद आ जाए कमजोर कुव्वत सौदाबाजी। अब आप ये देखें जहाँ मजदूर इकट्ठे हों वहां पर जब कोई एक बंदा आ जाए जिसको मजदूर चाहिए होते हैं बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। एक मजदूरी जब मेहनत ऐसी चीज नहीं जिसका आप जखीरा कर सकते हैं, वो तो जब आपने कर ली होगी वो जाया होगी, तो क्या होगा कि वो जो उसको मजदूरी करवानी है जिसको अपना काम करवाना है तो वो उसके साथ आप खड़े होकर सौदाबाजी उतनी मजबूत अंदाज में नहीं कर सकते। जिसको काम लेना है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो बंदे सेलेक्ट करेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक वो मजदूरी चाहेगा और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक वो काम चाहेगा। तो इसके अंदर एक बड़ी जो कमजोरी है ये मसाइल है लेबर फोर्स के अंदर वो है कमजोर वो थे सौदाबाजी के वजह से। फिर मुलाजमत का अदम तहफ्फुज़, छोटी सनअतें जहाँ होती हैं वहाँ पर मुलाजमतों का बहुत अदम तहफ्फुज़ पाया जाता है। जो मालिक किसी बात पर अगर नाराज हो जाए तो किसी भी वक्त खड़े खड़े वो मजदूरों को मुलाजमीन को निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो उनके दिल के अंदर एक बड़ा वो होता है तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है मुलाजमत के बारे से कि हमें किसी वक्त भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गैर इंसानी सलूक, मजदूरों को एक ये भी गिला रहता है कि जो उनके साथ जो सलूक मालिक रखते हैं वो नार्मल सलूक होता है, वो गैर इंसानी सलूक होता है, छोटी सी गलती हो जाती है तो उसे बहुत ही बदसलूकी का जिनसे ज्यादा काम ले लिया जाता है लेकिन वो उनके जाहिर काम की उजरत नहीं दी जाती बल्कि उतनी ही उजरत दी जाती है जिसकी उजरत जो है वो उनके साथ जो है उनके रूटीन के काम की तय की जाती है, जो जाहिर काम लिया जाता है हालांकि असली तौर पर वो उनको भी उजरत देनी चाहिए। और मजदूर का मजदूर ये हुक्म भी है कि मजदूर की मजदूरी उसको पसीना खुश होने से पहले अदा कर दी जाए, तो ये सब तमाम चीजों को हम फॉलो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। काम के गैर सही पक्ष आधार, आप देखिए मजदूर ऐसी जगह पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर रोशनी भी कम होती है, हवा और बाकी चीजों की जो है वो मौजूदगी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा देखिए बहुत दूर जो इमारतें को आप प्लाजा तक तैयार कर रहे होते हैं उनकी जान खतरे में होती है। बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो इस मजदूरी करते हुए गिर के या तो जख्मी हो जाते हैं या फौत हो जाते हैं, तो एक बहुत ही ऐसे हालात होते हैं जो नासाजगार होते हैं जिनसे उनकी सेहत भी क्या होती है मुतासर होती है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम देखने का। फिर समाजी तहफात की कमी, उन मजदूरों के बच्चों को और उनको तालीम और सेहत के इतने मौके नहीं मिलते, उनको ये सिक्योरिटी भी नहीं होती कि उनके बच्चों को तालीम मिलेगी उनको सेहत के मौके फराहम होंगे। लेकिन अब अलहमदुल्ला देखने में आया है कि सेहत कार्ड की वजह से कि आम बंदे को भी जो है वो सेहत की सहूलत जो है वो गवर्नमेंट देने की कोशिश।
बात दोबारा मैं आपको दुर्नीति के मुद्दों को सुधार रहा हूँ। आप ये देखिए कि मजदूरों को कौन सी तरबियत दी जा रही है, कोई तरबियत नहीं जाती। अगर तरबियत दी जाए तो उनकी इस्तेदादकार बढ़ जाए, उनके तो हुनर और मजीद आ जाए, वो बेहतर तौर पर अपने इस्तेदादकार और खुद पैदावार के सामने सामने रखते हुए उनको इस्तेमाल में लाते हुए बेहतर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर तरबियत दी जाए, लेकिन ये खुदा है कि एक बड़ा मसला आया जाता है। फिर गैर मुनज़्ज़िम मजदूर अंजुमने, हमारे यहाँ जो मजदूरों के अंजुमने या तो है नहीं और अगर हैं तो गैर मुनज़्ज़िम है। और गैर मुनज़्ज़िम को क्या होता है कि जो मालिक होता है वो उनको आपस में लड़वा कर उनके हिसाब दरमियान गैप ला कर हुकूमत करो की पॉलिसी के मुताबिक अमल करता है। ठीक है, तो ये गैर मुनज़्ज़िम तंजीमों की वजह से नुकसान क्या होता है कि वो अपने किसी हकूक को जो अपने बाला तक हुकूमत तक नहीं पहुँचा पाते, उससे पहले ही वो आपस में लड़ झगड़ कर खामोश हो जाते हैं और वो जो उसका फायदा किसको और जाकर वो हमारे यहाँ एक अदम इत्मादी की फिजा कायम है। मालिक को ये होता है कि मैंने मेरे पैसे मेरे सरमाए से मजदूर उजरत ले रहा है, मेरे पैसे से रोजी कमा रहा है, जबकि मजदूर को ये होता है कि मैं मेरी मेहनत से जो है वो मालिक ऐश कर रहा है। तो ये एक अदम इत्मादी की फिजा कायम होती है, दूसरे पर इत्मान ना करने की वजह से काफी सेहत के मसाइल। जैसे मैंने कहा ऐसे साजगार हालात नहीं होते जहाँ पर वो मेहनत करने वाले को जो है वो अच्छी सेहत, क्योंकि देखिए डस्ट में मुसलसल काम करने से each other.